हाँ जी दोस्तों, तो आपको बता दें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5 मैचों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कल 15 तारीख को तीसरा मैच स्टार्ट है। तो उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच के राहुल द्रविड़ ने बदले प्लेइंग 11 में, बहुत बड़ा बदलाव किया दोस्तों, क्योंकि नहीं विराट कोहली खेल सकते हैं। विराट कोहली सीरीज से बाहर हो चुके हैं, और बात करें तो रविंद्र जडेजा भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। संभावना था कि केएल राहुल इस मैच में खेलेंगे, लेकिन केएल राहुल भी नहीं खेल पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कौन कौन से खिलाड़ी को वापस लाया गया है टीम में। 4 एकदम खूंखार प्लेयर को वापस लाया गया टीम में। तो दोस्तों, पूरी वीडियो स्टार्ट करने आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, न्यू टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, उसमें क्रिकेट का प्रेडिक्शन करते हैं हम, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो बता दें दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5 मैचों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें पहला टेस्ट मतलब भारत को बुरी तरीके से हारने के बाद दूसरा टेस्ट में बुरी तरह बदला लिया टीम इंडिया ने। टीम इंडिया का हीरो बने जसप्रीत बुमराह ने, अच्छा गेंदबाजी किए थे और इंडिया को मैच जिताए थे, और यशस्वी जायसवाल ने भी दोहरा शतक लगाए थे। और बात करें दोस्तों, तो शुभमन गिल भी दोहरा शतक लगाए थे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में कोई ओपनर में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ, यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का यह सीरीज बहुत ही अच्छा कुछ चल रहा है, क्योंकि पहला मैच में तो उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन फर्स्ट मैच का फर्स्ट इनिंग में 74 बॉल में 80 रन बनाए थे, 7 चौका और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ। और वहीं बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो दूसरी पारी के पहले इनिंग में भी दोहरा शतक बनाए थे, 209 रन बनाए थे, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि अपना कैप्टन रोहित शर्मा का फॉर्म एकदम अच्छा नहीं चल रहा, फ्लॉप चल रहे हैं, दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं, 4 इनिंग हुआ चारों इनिंग में। और तीसरे नंबर की बात करें तो शुभमन गिल, क्योंकि अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अच्छा खेलने लगे हैं शुभमन गिल, और इस मैच में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि उसमें शतक लगाए थे दूसरा मैच में। और तीसरा नंबर की बात करें दोस्तों, तो राजत पाटीदार ही खेलेंगे, क्योंकि विराट कोहली तो आ नहीं सकते हैं। और चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, तो श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर किया जा रहा है, श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे, क्योंकि चारों पारी में अच्छा बल्लेबाजी नहीं किए हैं, बहुत ही बुरी तरह से जूझ रहे हैं, फॉर्म में एकदम नहीं है। और उनके जगह पे सरफराज खान को लिया गया है, क्योंकि सरफराज खान घरेलू मैच में बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बात करें दोस्तों, तो भारत की जगह पे ध्रुव जुराइल को टीम में वापस लिया गया है, क्योंकि ध्रुव जुराइल भी बहुत अच्छा विकेट कीपर है, भारत तो एक भी मैच में नहीं चल रहे, कोई भी मैच में अच्छा नहीं किए, बस फ्लॉप ही रहे। 7वें नंबर की बात करें दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी करिश्मा दिखाते हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छा गेंदबाजी किए थे पहला मैच में। और 8वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो अक्षर पटेल हैं, अक्षर पटेल ही खेलते हुए नजर आएंगे, अक्षर पटेल भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी भी किए, गेंदबाजी भी किए। और 9वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलेंगे, कुलदीप यादव चाइनामंद गेंदबाज है, बहुत ज़्यादा विकेट लेते हैं अगर फॉर्म में रहे तो। और 10वें नंबर पे सिराज खेलेंगे दोस्तों, क्योंकि सिराज बहुत खतरनाक गेंदबाज है, चले तो एक ही पारी में मैच ख़त्म। और 11वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो 11वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर देखकर स्टोक्स का फटी पड़ी है, स्टोक को दोनों बार आउट किए थे, गोल्ड मारे थे। चलिए, थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।